ये है मेरा मेहंदी का कलर, नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको दिखा रही हूँ। और इस हाथ में मैंने बस ऐसे ही लगा लिया था, अपना हाथ जय जगन्नाथ इस हाथ से ऐसे ही आता है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि कल मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, मुझे इतनी ज़्यादा शिकें आ रही है, इतनी ज़्यादा मतलब सर्दी हो गई है, आँख से पानी भी देखिए निकल रहा है, सर दर्द है, हल्का हल्का फीवर भी हो गया है। इसलिए मैं शॉपिंग भी करने नहीं गई, पूजा की कुछ भी शॉपिंग करने नहीं गई मैं, मैंने बस बाहर से मंगा लिया लिस्ट देके। और घर पे मेहंदी तो मैंने लगाया था, ऐसा कुछ कलर आया है, और मैंने दूसरे हाथ में मेहंदी लगा रहा था, बट इतनी छीके और अभी भी कंटिन्यू आ रही है, मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रहा है मेरा। और आज करवा चौथ है, फास्टिंग हूँ मैं, सुबह का मैंने पूजा कर लिया है, संकल्प वगैरह ले लिया है। मैंने सोचा कि कम से कम एक छोटा सा अपडेट तो दे दूँ कि मतलब क्या क्या है, कैसे है। हालत बहुत ख़राब है सर्दी की वजह से, और इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाई, और मैंने दूसरे हाथ में मेहंदी नहीं लगाया, तो बस इस हाथ से, तो इस हाथ में मेहंदी लग नहीं पाता है भाई मुझसे, लेफ्ट हैंड से। तो जो समझ आया मैंने बस ऐसे ही गोल गोल कर लिया, बोलते हैं ना अपना हाथ जय जगन्नाथ, बस वही हाल है। तो मैंने भी लगा लिया, मैं नहा चुकी हूँ, अभी तो सुबह का टाइम है, तो अभी कुछ नहीं करूँगी, अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि सर्दी जैसा लग रहा है। उसके एक डेढ़ घंटे के बाद मैं पूजा की तैयारियाँ स्टार्ट करूँगी। मैंने वैसे अपने जो पहनने वाली एक्सेसरीज है, साड़ीज वगैरह है, वो सब निकाल लिया है, पूजा का भी सारा सामान आ चुका है, बस मुझे फ्रूट्स वगैरह धोना है, बाकी जो भी पूजा की तैयारी हो जो मैं करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो अभी बस यही अपडेट देना था कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये ब्लॉग कल कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, और अभी मैंने सोचा कि एक अपडेट दे देती हूँ। तो बस मैंने कैमरा उठाया लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी मैं आपसे थोड़ी देर बाद जब पूजा के लिए उठूँगी तैयार वगैरह करने तब आपसे मिलती हूँ। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, देखिए क्या क्या होता है, कैसे होता है। मैं रेस्ट करके उठ गई थी, उसके बाद मैंने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे पूजा के लिए थाली सजा रही हूँ, उसमें मैंने रोली और सिंदूर लिया है, उसके बाद मैं अक्षत डालूँगी, देन हम लोग यहाँ पे फूल रखेंगे। सिंदूर रहती है माताओं के लिए, और रोली जो होता है वो भगवान को चढ़ता है, जो भी हमारे मतलब पुरुष भगवान होते हैं उनके लिए। और यहाँ पे मैं दिया लगा रही हूँ, उसमें मैं दो दिया इसलिए रख रही हूँ क्योंकि एक दिया अभी जो मैं पूजा करूँगी शाम को उसमें जाएगा, और एक जो दिया है वो जब चांद की पूजा होती है शाम में अर्घ देते वक्त उस टाइम जाता है। और यहाँ पे मैंने पोपट कर दिया है, थोड़ा सा घी मैंने थाली में गिरा दिया है, बट मैंने क्लियर कर दिया है। फिर यहाँ पे मैंने थाली में रखा है कसैली और मौली, और ये है कड़वा, इसमें दूध है, और बाद में मैं जो ऐड करूँगी दिखाऊँगी। पूजा की तैयारियाँ कर ली है, यहाँ पे एक्स्ट्रा फूल है जो अभी चढ़ेगा, और यहाँ पे जो फूल मैंने थाली में सजाया है ये चांद की पूजा के टाइम चढ़ेगा। इसमें गंगा जल डालेंगे, जब मैं डालूँगी इसके ऊपर और क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर मैंने नारियल को भी अच्छे से धो के इसको सिंदूर से टीका कर दिया है। यहाँ हमारा आम का पल्लो जो कलश में जाएगा, और मैंने यहाँ पे लोटा में पानी डाल लिया है, गंगा जल डालना है, और ये रहा हमारा लोटा। अब जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि कभी भी कलश जो है वो खाली नहीं बैठाना चाहिए, तो इसमें आप कुछ फूल डाल सकते हैं, आप इसमें अगर फ्रूट्स हैं तो वो भी डालिए, पंचमेवा डालिए, थोड़ा सा आप इसमें अक्षर डाल दीजिए ताकि ये खाली ना रहे। और मैंने यहाँ पे कपड़े के तौर पे इसमें मौली बांध दी है, और अब इस पे जाएगा हमारा ये, इसको अच्छे से कलश स्थापना दे देंगे हम, बट हम अभी नहीं देंगे कलश स्थापना क्योंकि अभी मैं सिर्फ नहाई हुई हूँ, अभी रेडी नहीं हुई हूँ। तो क्यों गिर रहा है भाई, आराम से थोड़ी देर रह ले, उसके बाद पूजा कर लूँगी। तो मैं फटाफट से रेडी कर लूँगी, हमारा भूख यहाँ पे रखाया हुआ है, और ये हमारी कड़वा माता, बाकी यहाँ पे धुना का सारा सामान मैंने अपडेट कर दिया है, ऐसा कुछ लोग है। तो मैं फटाफट से पहले रेडी हो जाऊँ, ये फूल कितना अच्छा लग रहा है, मैं फटाफट से पहले रेडी हो जाती हूँ।
मैंने आपको अपना पूरा लुक दिखा दिया और अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। सबसे पहले मैंने कलश स्थापना की है यहाँ पे और मैं थोड़ा बहुत आपको आज बता रही हूँ पूजा का डिटेल्स कि मैं कैसे करती हूँ। तो मैंने करवा में सबसे पहले दूध डाला है और उसके बाद मैं यहाँ गंगा जल मिलाऊंगी और इसी करवे से हम शाम के टाइम अर्घ देंगे। और ऊपर का जो ढक्कन होता है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप सरसों रख सकते हैं, चावल के दाने रख सकते हैं, आप पंचमेवा रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं या फिर मिठाई रख सकते हैं। और ये सारी जो ढक्कन पे अगर आप फ्रूट्स, पंचमेवा या फिर स्वीट्स रख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जब आप अर्घ दे देते हैं तो आप खा सकते हैं इसमें से लेके। और अगर आपके पास जल चढ़ाने के लिए उसे कोई स्पून नहीं है पूजा वाला, तो आप इस तरीके से आम के पत्ते से आप ऐसे जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन हाथ से जल मत चढ़ाइएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे हाथ से जल चढ़ा देते हैं, जो कि नहीं चढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से। और यहाँ पे मैं सारे भगवान को सबसे पहले टीका लगा रही हूँ, जल से स्नान कराने के बाद सबसे पहले मैं टीका लगाऊंगी। जो सिंदूर है वो जैसे कि मैंने बताया माताओं को लगाऊंगी और जो रोली है वो सारे जो भगवान जी लोग हैं उनको लगाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं फूल चढ़ा रही हूँ अच्छे से। आपके पास जो फूल हो, वो वैसे ज़्यादा फूल होता है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, बट मेरे पास ज़्यादा फूल नहीं था, जो था मैं वही चढ़ा रही हूँ। आपके पास अगर ज़्यादा है तो आप वो चढ़ा सकते थे, बट और अभी मैं यहाँ पे पंचामृत जो है वो सबको पान कराऊंगी, सबको पंचामृत खिलाऊंगी। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे प्रसाद आपके पास जो है यहाँ पे चढ़ा दीजिए, अगर आपके पास सिंगार का सामान है वो भी यहाँ पे चढ़ा दीजिए। जो भी है आप करवा माता को सब चीज़ यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं पूजा के टाइम। मतलब बोलते हैं ना, पूजा का कोई लिमिट नहीं है कि आप क्या करेंगे, कितना करेंगे, आपके पास जितना है, जो है आपके पास कम है तो आप कम में कीजिए। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान उससे भी खुश होते हैं। अगर आप कैपेबल हैं तो आप जितना ज़्यादा हो सके दान दक्षिणा पूजा पाठ में चढ़ावा वो सब आप दीजिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पूजा स्टार्ट कर चुकी हूँ, सारा चीज़ मैंने चढ़ा दिया है। और यहाँ पे अब मैं किताब की पूजा कर रही हूँ। आप हमेशा इस चीज़ को भी स्किप मत कीजिएगा, अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो जो किताब से आप कथा पढ़ने वाले हैं उस किताब को आपको पहले पूजा करनी चाहिए। ऊपर जो देवी देवता होते हैं उनको भी जल से आचमन करके, उनको भी रोली सिंदूर लगा के, अक्षत फूल लगा के, उसको प्रणाम करने के बाद ही पूजा जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। और हमारी पूजा यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और मैं यहाँ पे आरती दिखा रही हूँ और बस पूजा हमारी यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। और बहुत इंतज़ार कराने के बाद रात के 8:30 बजे हम मुझे ये चांद दिखा है। मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ तो शायद थोड़ा क्लियर ना दिख रहा हो, बट फाइनली चांद रात के 8:30 बजे दिख गया मुझे। और मैं अपनी थाली लेके आ गई हूँ पूजा वाली, पूजा करने के लिए। और बस मैं यहाँ पे जो दिया मैंने आपको दिखाया था, जो रखा था वही दिया यहाँ पे एक लेके आई हूँ, और एक तो जो मैंने शाम को पूजा किया था वहीं पे है। तो इस दिया को हम लोग जलाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग पूजा करेंगे। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे इतने ज़्यादा मच्छर काट रहे थे, मतलब पता नहीं क्या था, बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहा था यार। बट फिर देखिए जब पूजा करना है तो करते हैं। उसके बाद मैंने जो करवा में पूरे गंगा जल डाला था उसे अर्घ दिया। अच्छा फूल जो भी है आप जैसे पूजा करते हैं अर्घ देते हैं वैसे अर्घ दीजिए। मैं भी यहाँ पे अपना अर्घ दे रही हूँ, उसके बाद चंदा मामा को आरती दिखा रही हूँ। और अब दिए को जो है वह चलनी में रख के उसके बाद जो है हम लोग चंदा मामा को देखते हैं और उसके बाद फिर चलनी से अपने पति को देखते हैं और उसके बाद उनकी पूजा करते हैं। और बस उन्हें मैं प्रणाम कर रही हूँ और वो जोक मार रहे हैं, बस इसी पर मुझे हंसी आ जाती है। तो होपफुली ये ब्लॉग अच्छा